वन एम्पेयर की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला अभी आपने लिखा है म्यूनिट अपॉन फोर बाई टू आई वन आई टू अपॉन आर सबसे पहले अगर डेफिनेशन आती है आप ये फॉर्मूला लिखेंगे फिर आपने क्या करनी है वैल्यूज पुट करनी है म्यूनिट अपॉन फोर बाई आपको पता है टेन टू द पावर माइनस है आई वन आपने वन वन एम्पेयर लेने हैं और जो डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स के बीच में वो आपने 1 मीटर लेना है तो जब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास निकल कर आएगा 2 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर तो देखते हैं अब आपने डेफिनेशन किस तरह से लिख कर आनी है 1 एंपियर आपका वो स्टेडी करंट है जो कंडक्टर से फ्लो करेगा आपने अभी बोला है कि आपने दो पैल कंडक्टर लिए हैं जिनकी लेंथ यहाँ पे क्या है इन्फानाइट है दोनों कैसे रखे हैं पैलल में रखे हुए हैं और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कैसा है वन मीटर है इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी डायलैक्टिक मीडियम नहीं है दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या है वैक्यूम है और ये दोनों कंडक्टर आपस में क्या करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे कितने फोर्स से करेंगे वो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो कर चुके हो टू इंटू टेन टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर तो यहीं से ये डेफिनेशन बन गई है वन एम्पियर इज अस्टडी करेंट That if passes through two infinite long state conductor placed parallel to each other at a separation of one meter in vacuum, causes each conductor to attract or repel by a force of two into ten to the power minus seven newton per meter of their length.